अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स यानी कि पीरियड मिस होने के पहले ही हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। देखिए कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट भी होंगी तो भी आपको ये नहीं सिम्टम्स नज़र आएंगे कि जैसे सिम्टम्स होते हैं वोमिटिंग आना, सर में दर्द होना, जी मिचलाना या किसी चीज़ के महक लगना, कुछ केसेस में नहीं होता और कुछ केसेस में ये मौजूद होते हैं। क्योंकि जब भी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन्स होते हैं वो जब बढ़ जाते हैं तब आपको इन चीज़ों का महसूस होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपके जब हार्मोन्स तेज़ी से बढ़ते हैं तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको महसूस होने लगते हैं। बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनको आप देखकर ये जान सकते हैं कि आप माँ बनने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैजिकल मॉम्स डायरी में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको मेरे न्यू वीडियो है सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो हम बात कर रहे थे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स की। तो अभी तक तो मैंने चैनल में कई आपको वीडियो मिल जाएंगे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के, आप उनको भी देख सकते हैं। और अभी मैं फिर बता देती हूँ कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या होता है। सब आपका जो भारी भारी सा शरीर लगने लगेगा, कुछ भी ना खाने का, कुछ भी ना काम करने का मन करने लगता है, कि लगता है बस लेटे रहें, कुछ कोई कुछ बोले ना और कोई हमसे कुछ ज़्यादा कहे ना, बस हम लेटे ही रहें, ऐसा महसूस होता है, जो कि मेरे केस में भी हुआ था। आप जो मैं बता रही हूँ अपना मतलब पर्सनली अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको सर में दर्द होने लगेगा, चक्कर से महसूस होंगे, भारीपन सा महसूस होगा, जो आप खाना खाते हैं आपको उसकी महक सी लगने लगेगी, मतलब एक तीव्र महक सी आने लगती है। आप रोटियों की महक आपको शायद अच्छी ना लगे, आप खाना बनाते हैं तो उसकी महक बहुत लगेगी। मुझे खाना बनाती थी, मुझे मुँह बांध के खाना बनाना पड़ता था, मुझे बहुत ज़्यादा हीट लगती थी, बहुत ज़्यादा महक लगती थी। और वोमिटिंग से आना, मुझे थर्ड महीने से वोमिटिंग आना शुरू हो गई थी, जब मुझे 2 से 3 महीने में, पहले मुझे उल्टियाँ नहीं आई थी, बस चक्कर आते थे। सुबह आप उठेंगे तो आपको भारीपन सा महसूस होगा, जी ऐसा मिचली होगा। आप एक भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आप जो मार्केट में प्रेगनेंसी किट मिलती है चेक करने वाली, आप उसको लेके और रात में जब आप सोते हैं मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन है यानी कि जो पहली यूरिन होती है, आप उसकी 2 बूंद अपने किट में डाल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है मॉर्निंग के यूरिन में और आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं। नॉर्मली आप सबको पता ही होता है कि प्रेगनेंसी की किट में 2 लाइन आती है तो पॉजिटिव होता है और 1 लाइन आती है तो नेगेटिव होता है। तो 2 लाइन आना यानी कि आप प्रेग्नेंट है, 1 लाइन आना है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी की 2 लाइन आती हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो भी वो दवाइयाँ चलाते हैं आप उसको खाना शुरू कर दें। और एक चीज़ का और याद ध्यान दें, इसमें एक असामान्य भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको तीव्र पेट में दर्द होना, बहुत ज़्यादा दर्द निचले हिस्से में हो रहा है, अगर ब्लीड वजाइनल स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सबसे अच्छा रिजल्ट तब आता है जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। पीरियड मिस होने के 3 से 4 दिन के बाद या आप 5 दिन के बाद में अगर ये चेक करते हैं, जो मैंने आगे प्रोसेस बताया है कि प्रेगनेंसी किट में चेक करते हैं, तो श्योरली होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपके पीरियड मिस नहीं हुई है और उसके पहले आपको सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं तो भी आप प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी डाउट है आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने असामान्य लक्षण भी बता दिया है, प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी बता दिए हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी आपकी शो हो गई, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आप वाकई में प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, आप बच्चे को रखना चाहती हैं, तो आपको गर्म चीज़ें नहीं खाना है, जैसे कि पपीता बिल्कुल नहीं खाना है, जो भी गर्म तासीर होती है, गुड़ है, बादाम है, शुरुआत में बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। जय माता।